हेलो भाई लोग, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। सो जैसे कि आपको पता है कि बिहार सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है और उसको कंडक्ट कौन करवाएगा? बीपीएससी, राइट? बीपीएससी। और बीपीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है वो बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करवाने जा रही है। अब तक लोगों को सिलेबस का पता ही नहीं था, फाइनली उन लोगों ने अब सिलेबस दे दिया है और सिलेबस भी अच्छा खासा है। मीन्स कि वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेबस बनाया है जिसके लिए बीपीएससी जानी जाती है। आपका जो पेपर वन है वो 250 नंबर का है। आप पेपर वन देखो प्राइमरी टीचर का, जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। एक्चुअली मैक्सिमम लोग वो होंगे जो प्राइमरी टीचर के लिए ही अप्लाई करेंगे, तो प्राइमरी टीचर का पेपर जो है 250 नंबर का होने जा रहा है। 250 नंबर। इस वीडियो में बने रहना, पूरा सिलेबस डिटेल में कवर करवाऊंगा, ठीक है? एग्जाम पैटर्न डिटेल में बताऊंगा। तो आपका जो प्राइमरी टीचर का 250 नंबर का होगा, उसे पेपर वन होगा वो 100 नंबर का होगा। और पेपर वन में क्या क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे लैंग्वेज इंग्लिश, और दूसरा पेपर आपका होगा हिंदी, उर्दू या बंगाली। इन तीनों में से आपको चुनना होगा। तो मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश और हिंदी को चुनेंगे, ठीक है? तो इंग्लिश तो बढ़िया भाई, जो जो इंग्लिश में पास नहीं करेगा उसका आगे पेपर ही चेक नहीं होगा। कहा गया है कि मिनिमम 30% मार्क्स आपको चाहिए पेपर वन में लाने के लिए। अगर पेपर वन में आप 30% मार्क्स लाते हो तभी जाके आपका पेपर टू चेक होगा, नहीं तो आपका पेपर टू चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए ये पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश को कंपलसरी बनाया गया है, ठीक है? अब आते हैं पेपर टू में। पेपर टू में ये क्या पूछेंगे? पेपर टू में आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके, करेंट अफेयर ये होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट मीन्स की पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, एनवायरमेंट होगा। मीन्स की आपको 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ के जाना होगा, ठीक है? 10th तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ के जाना होगा, जैसे कि, और ये 150 नंबर का होगा। इसी पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है? और आपका जो साइंस है और सोशल साइंस है इसका क्लास हम लोगों के चैनल पे लगातार चल रहा है। हमारे यूट्यूब पे हर दिन इसका क्लास होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में जाके देखो और उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक रुपया भी आपको नहीं लग रहा है। अब आते हैं सीनियर सेकेंडरी, मीन्स जो 6 से 8 वाले देंगे उनके लिए क्या पेपर होगा? उनका पेपर सिर्फ 150 नंबर का होगा। हाँ, आपने सही सुना, प्राइमरी वालों का 250 का और सेकेंडरी वालों का 150 का। सेकेंडरी वालों का जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर में पता है क्या होगा? जो आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट था उसमें से आपको कोई एक चुनना होगा, वो लेके आप, वो 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? जैसे आप हिंदी ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, मैथिली ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कितने सब्जेक्ट है। आप किसी एक पेपर को चुनोगे, उस वो पेपर आपको देना होगा, वो पेपर 100 नंबर का अकेले आएगा। मीन्स 100 नंबर का सिर्फ आप, अगर आप इंग्लिश लेते हो तो 100 नंबर का सिर्फ आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हो गया। और 50 नंबर में आपका सेम वही पूछा जाएगा जो प्राइमरी लेवल का होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। ये जो देख रहे हो ना पेपर टू, ये हायर हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, तीनों में सेम सिलेबस है। हाँ, पर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो प्राइमरी वाले हैं उनसे 6, 7, 8 तक का पूछ लिया जाएगा, जो सेकेंडरी वाले हैं उनका 3 तक का पूछ लिया जाएगा, और जो हायर वाले हैं इनसे 12 या ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ लिया जाएगा उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। अब आते हैं हायर में। हायर वाले क्या क्या चुन सकते हैं? मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। खैर, इतना तो उनको चुनना ही चुनना, इतना सब्जेक्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है? जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, पाली, प्रकृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो आपका इतने सब्जेक्ट होंगे हायर में भी, और उसका वो भी आपका एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा और बाकी आपका 50 नंबर का जो ये है मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट पहले वालों का है वही आपसे भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपके जो पेपर आप दे रहे हो उसी के अनुसार होगा। अगर मैथ पूछेगा प्राइमरी में तो 5, 6, 7 तक का ही पूछेगा, वो आपसे बोर्डमा सिंप्लीफिकेशन यही सब पूछेगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस यही पूछेगा, कोई बहुत हेवी चीज वो नहीं पूछ लेगा कि हाँ
डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सब नहीं पूछेगा। हाँ, अगर आप सेकेंडरी में हो, अगर आपने मैथ चुना है सब्जेक्ट, तो वो आपसे 11 12 का पूछ सकते हैं। अगर आप हायर में हो तब तो बिल्कुल ही पूछेंगे, ग्रेजुएशन लेवल तक भी वो जा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी फ्री तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके रोज क्लासेस आ रहे हैं और आपका एग्जाम अगले 3 से 4 महीने में या 5 महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तब तक मैं आपकी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करवा दी जाएगी। दूसरी बात ये तो हो गई कि सिलेबस क्या होगा, क्या निगेटिव मार्किंग है, तो इस पर अभी उन लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। अब आते हैं कि सिलेबस को कवर हो जाएगा, एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो है आपका सितंबर अक्टूबर से पहले होने के चांसेस बहुत कम है, और ये पेपर भी अच्छा खासा इन लोगों ने इस बार फिट किया है, मतलब सिलेबस बनाया है। और एक चीज देख के जो मुझे ताज्जुब लगा कि इसमें कहीं भी पैडागॉजी है ही नहीं, मीन्स कि आपसे पैडागॉजी पूछा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल एक जनरलाइज्ड सिलेबस है जो SSC में होता है, जो रेलवे में होता है, या किसी अलग अलग एग्जाम्स में होते हैं। तो आप जिनके पास ये बेसिक नॉलेज होगा वो इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम लोग आप इसका क्लास लेके रोज आ रहे हैं, आगे भी लेते आएंगे, और आपको से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी हैप्पी फ्यूचर।